ऑलराइट फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी फेसबुक पर स्टोरी पोस्ट करते हैं और आपकी स्टोरी पर व्यूज़ कम आते हैं, लाइक्स कम आते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके फेसबुक की कुछ सिंपल सी ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें दोस्तों अगर आप अपने फेसबुक के अंदर फॉलो करेंगे तो आपकी फेसबुक के व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपकी फेसबुक स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आने लगेंगे और दोस्तों आपकी स्टोरी 100% वायरल होगी। और दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे अगर आप अपने फ़ोन यूज करेंगे, अच्छे से अपनाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों यकीन करना कि आपकी स्टोरी 100% वायरल होगी। अब दोस्तों इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और ऑलमोस्ट उस वीडियो पर आप लोगों का काफी ज्यादा प्यार मिला है और वो वीडियो 1 मिलियन के करीब पहुंचने वाली है, कुछ ही दिनों में 1 मिलियन व्यूज उस पर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि आपने जो ट्रिक्स बताई वो हमारे फेसबुक एप्लीकेशन में है ही नहीं, तो दोस्तों इस पर काफी ज्यादा कमेंट्स थे, तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। और आपको फेसबुक स्टोरी अपलोड करने से पहले क्या सेटिंग्स, क्या ट्रिक्स होती हैं जिन्हें अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फेसबुक स्टोरी पर व्यूज बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, साथ ही आपकी फेसबुक स्टोरी वायरल जरूर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अगर पहली बार चैनल पर आए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लाल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे दोस्तों हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी और ये सब दोस्तों बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छी सी कमेंट आपको जरूर करनी है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम आपको आपके फेसबुक की कुछ सिंपल सी ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने फेसबुक में फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फेसबुक स्टोरी के लाइक्स व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, साथ ही आपकी फेसबुक स्टोरी वायरल हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और दोस्तों एंड में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने फेसबुक में फॉलो करते हैं तो वादा करता हूं दोस्तों कि आपकी फेसबुक स्टोरी जरूर वायरल होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन अगर अपडेट नहीं है तो आपको अपना फेसबुक एप्लीकेशन अपडेट कर लेना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग स्मार्टफोन जरूर यूज करते हैं लेकिन वो कोई एप्लीकेशन अपडेट ही नहीं करते हैं। दोस्तों आप लोग एक चीज का ध्यान हमेशा रखिए कि अगर आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं और एक लॉन्ग प्रोसेस तक अपने स्मार्टफोन को चलाना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल के हर एप्लीकेशन को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। इससे दोस्तों होता क्या है कि आपके उस एप्लीकेशन में जो नए नए फीचर्स ऐड होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, साथ ही अगर आप एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन ही यूज करते रहते हैं लगातार तो उसमें बहुत सारे बग्स वगैरह आ जाते हैं जो हमारी डिवाइस के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को समय समय पर अपने एप्लीकेशन को जरूर अपडेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर के सर्च बार में फेसबुक टाइप करना है। अब दोस्तों यहां पर आपको अगर आप का फेसबुक अपडेट करने वाला होगा तो यहाँ पर हमारे फ़ोन में ओपन लिखा हुआ है, मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ही इसे अपडेट किया है, तो यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है अपने फेसबुक को, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आप जो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना और एक बार फिर से सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोफाइल लॉकिंग का। अब दोस्तों अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल को आपने लॉक करके रखा हुआ तो आप कितनी भी स्टोरी डाल लें, कितनी ही अच्छी प्रोफेशनल तरीके से स्टोरी बना के डालें, आप पर डे स्टोरी डालें लेकिन आपकी स्टोरी कभी भी वायरल नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल लॉकिंग पर क्लिक करना है और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, इनवाइट फ्रेंड्स, अनलॉक, लर्न मोर। तो आपको मिडिल वाले ऑप्शन पर बीच में जो ऑप्शन अनलॉक है यहां पर आपको टैप करना है, उसके बाद अनलॉक योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद सबसे पहला काम आपका हो जाएगा और आपकी जो है फेसबुक प्रोफाइल वो अनलॉक हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रोफाइल को दोस्तों इसका रीजन साफ होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे, उस पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है फेसबुक ज़्यादातर लोगों तक रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ऐसे में दोस्तों आपकी प्रोफाइल को कम लोग देख पाएंगे। तो अगर आपकी प्रोफाइल को ही लोग कम देखेंगे तो आपकी स्टोरी को कौन देखेगा, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है थोड़ा सा आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हाउ पीपल कैन फाइंड एंड कनेक्ट यू। अब दोस्तों यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, तो आपको किसी में कुछ छेड़खानी नहीं करनी। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एवरी वन पर सेलेक्ट करके रखना है, अगर आपने फ्रेंड्स और फ्रेंड पर किया हुआ है तो आप
इसे एवरीवन पर कर दीजिए। इससे दोस्तों होगा क्या कि अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल जो है किसी को दिखेगी जो कि आपने अगर अनलॉक किया हुआ है तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भी भेज सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आपको हर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। ये तो हो गई एक आम बात जो आपको करनी ही अपने फेसबुक के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना, नीचे यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टोरी प्राइवेसी पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, पब्लिक, फ्रेंड्स, कस्टम का। तो इनबिल्ड अगर आपके फ़ोन में फ्रेंड्स पर सेट है या कस्टम पर सेट है तो आपको सबसे पहले पब्लिक पर सेट कर देना है, जैसा कि हमने अपने फ़ोन में किया हुआ है। और यहाँ पर देखते थे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टोरी यू है म्यूट का, तो यहाँ पर अगर आप वो स्टोरी कोई म्यूट करते हैं किसी की तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई मिल जाएगा शेयरिंग ऑप्शन का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसे आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा। फिर यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ऑन स्टोरीज। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पब्लिक पर सेट करके रखना है। अगर आपके फ़ोन में नो पर सेट है तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पब्लिक पर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि अलाउ अदर्स टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज टू देयर ऑन स्टोरीज, यानी कि अगर आपने इसे पब्लिक पर करके रखा तो कोई भी अगर आपकी स्टोरी को अपनी स्टोरी के साथ शेयर करना चाहेगा तो आपकी स्टोरी को बड़ी ही ईजिली शेयर कर पाएगा। इससे दोस्तों आपकी स्टोरी के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों सेकेंड नंबर पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा Allow people to share your stories if you mention them। दोस्तों यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको allow कर देना है अगर आपको don't allow पर है। यहाँ पर अगर आप स्टोरी पोस्ट करते हो और किसको भी आप mention करेंगे तो वो आपकी स्टोरी को शेयर कर सकता है। अब आपकी स्टोरी जितना ज़्यादा शेयर होगी उतना ज़्यादा आपकी स्टोरी पर इंगेजमेंट बढ़ेंगे। अब दोस्तों इतनी सेटिंग्स करने ली है आपको, और उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे कि फेसबुक स्टोरी जब आप अपलोड करेंगे तो आपकी फेसबुक स्टोरी पर 100% लाइक्स व्यूज़ बढ़ेंगे। अब दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आप अगर अपने फेसबुक स्टोरी में फॉलो करते हैं तो आपकी स्टोरी 100% वायरल होगी। अब दोस्तों सबसे पहला काम तो आप लोग किसी भी सोशल साइट्स पर हों तो आप लोगों को रेगुलरली वहां पर कनेक्ट रहना पड़ता है। अगर आप कोई पोस्ट करेंगे उसके बाद एक हफ्ते तक उस सोशल साइट्स पर जाएंगे ही नहीं तो वो इंगेजमेंट आपको कभी नहीं मिल सकती है। तो इसलिए सबसे पहला काम कीजिए, अगर आप स्टोरी डालते हैं तो आप पर डे एक स्टोरी ज़रूर डालिए। इससे दोस्तों होगा क्या कि आप देखेंगे कि अगर आप पर डे स्टोरी डालेंगे तो आपकी स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों तक धीरे धीरे रिकमेंड होगी और काफ़ी ज़्यादा लोगों की टाइमलाइन पर जाएगी। और अगर आप कभी कभी स्टोरी डालते हैं, हफ्ते में एक बार या महीने में तीन चार बार स्टोरी डालते हैं तो आप कितनी अच्छी स्टोरी डाल लें दोस्तों आपकी स्टोरी कभी भी वायरल नहीं होगी। तो आपको पर डे एक स्टोरी जरूर डालनी है, और अगर आप पर डे स्टोरी डालेंगे दोस्तों तो आप खुद देखेंगे कि कुछ दिन आप जब स्टोरी डालते जाएंगे और उसके बाद अचानक से आपकी किसी स्टोरी पर काफी ज्यादा व्यूज और लाइक्स आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, 100% रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।